बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप बहुत खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अच्छी वाली रेसिपी बना रही हूँ, और मटर कुन्ना। इंशाल्लाह मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। हम शुरू करते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें डालते हैं। मटन है 1.25 किलो, और 1 कप दही, और आधा कप, ये क्योंकि मटन कम है ना, ये आधा कप घी का, और 1.5 चम्मच मिर्ची, 1.5 चम्मच कुटी हुई वो साबुत धनिया पिसा हुआ, और आधा 1 चम्मच हल्दी, और 1.5 चम्मच नमक, नमक हंसते जायका, और 2 बड़े बड़े इतने प्याज, और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये 5-6 लौंग, 7 लौंग कर लो, 5-7-10 मिर्चें, साबुत मिर्चें काली, और 2 बड़ी इलायची, और 2 ये दालचीनी के टुकड़े, और ये जायफल जवत्री, और ये फूल, वो क्या नाम उसका लेते हैं, ये दूसरा छोटी इलायची, सब इलायची किसको कहते हैं। शुरू करते हैं। आंडी को गर्म कर लिया, हमें इसमें और डालने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दो प्याज डाल लिए छिले मैंने, लंबे लंबे और बारीक बारीक प्याज मैंने काटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, और लाइट से ब्राउन करने, क्योंकि मटर कुन्ने के बिच ना ज़्यादा काला प्याज नहीं, फ्लेवर नहीं इसका अच्छा आता। और घी और डालना है, और थोड़ा सा कम था, अपनी मर्जी से डालना जितना डालना, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है मटर कुन्ने में, खासतौर ये डिश हैगी चुनौती की, ये उसको इसको मटर कुन्ना इसलिए भी कहते हैं, ये जो मिट्टी की हांडी में पकते हैं इसको कुन्ना कहते हैं, और इसके काफ़ी नाम है, इसे नहारे भी कह लेते हैं, कह लो और कुन्ना भी कह लो, ये बहुत अच्छी डिश होती है, सबको पसंद आती है छोटे बड़ों को। थोड़ा सा मैं ब्राउन इसको सुनहरा सुनहरा करूँगी, तो क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सुनहरा सा हो गया, मैं अब ये सूखे मसाले डालने लगी। ये देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको थोड़ा सा मैं ज़रा कर सुनाती हूँ, कि ऐसे करने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसलिए इसको थोड़ा सा ना रोस्ट करना चाहिए। ये इसके ना जो मटन के ना जो बड़े बड़े पीस रहते हैं, ये देखो चावल और गोश्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, ये नमक और मिर्च, हल्दी, नमक और हल्दी जायका, वो अपनी मर्जी से कम डालना, कम डालने हल्का डालें, ज़्यादा तो खा सकता है, कम खा सकता है, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से डाला। और ये तकरीबन ना 1.5 किलो गोश्त मैंने, एक छोटा सा पैकेट मैंने और डाल लिया, और मैं इसे इतना सा हो जाना, आप उससे मर्जी से मैंने मसाले भी ऐड कर दे। अब मैं थोड़ा सा इसको मटन को भून लिया, अब मैं 1 कप दही का ये डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसमें पानी ऐड कर रही हूँ,
अच्छा पात्र है। मैंने इसको ये ना बिल्कुल इसके भाग नहीं उतर रही, मैंने आटा बिल्कुल नहीं लगाया हुआ और इतना अच्छा इसका वो जो चप्पन होता है, इसको चप्पन भी कहते हैं, प्लेट भी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, तो इसकी बिल्कुल भाप नहीं निकल रही, मैंने इसको आटा बिल्कुल नहीं लगाया। और ये देखो पक रहा, और ये मैंने आधा एक पाया गोश्त और मैंने डाला था ना, तो मैंने आधी चमची मिर्ची की डाली है, आधी चमची वो नमक की डाली है, इसलिए अब मैं इसको आपको बता रही हूँ। अब इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पकने दे, बस इसकी आग मैं हल्की कर दूंगी। बस आग हल्की कर दी है, अब इसको तकरीबन 2.5 घंटे इसको भून जाए, पकने दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो हमारा मटर पुलाव कितना अच्छा, गोश्त कितना अच्छा गल चुका है, और ये देखो कलर कितना प्यारा, ये देखो ये 2.5 घंटे मैंने इसको पकाया, 2.5 घंटे पूरे 2.5 घंटे मैंने टाइम नोट करके, और उसके बाद फिर मैंने इसको कवर कर दिया था। और उसके बाद मैंने ना वो आपको प्लेट नहीं दिखा सकी, एक गिलास मैंने पानी का और डाला, लेकिन एवं भी अच्छी तरह जोश को गलना चाहिए। ये नहारी टाइप ही होता है, नहारी भी कह लो मटर पुन्ना भी कह लो, ये ना ये मटन का ही बनता है और दूसरी मुर्गी का नहीं बनता, ना मुर्गी का ना और किसी। अब मैं आटा डालने लगी, तकरीबन है 3-4 चम्मच घर का आटा, जो घर की रोटी बनाई थी वो वाला आटा है, तो इसमें मैं पानी डाल के और पतला करती हूँ और फिर डालती हूँ। इसमें पानी डालने लगी थोड़ा सा बस, आप मैदा भी ले सकते हैं, घर का आटा भी ले सकते हैं, जो आपका दिल करे, और इसमें गुठली नहीं बननी चाहिए ऐसे। आटे को आप अच्छी तरह छान लें, क्योंकि आजकल ना कीड़े मकोड़े होते हैं आटे से चले जाते हैं, बरसात है ना, बरसात की वजह तो कीड़े मकोड़े भी होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप थोड़ा थोड़ा डालें और अच्छी तरह हिला दें, ये एकदम इसका घी गायब हो जाएगा, घी खत्म हो जाए, और उसके बाद मैं और थोड़ा सा पानी डालती हूँ और इसका एक आधा घंटा और इसको पकाने के। ये देखो मैंने एक गिलास मैंने और डाल दिया और एक आधा घंटा और पके, अच्छी तरह जो इसका कच्चा पान आटे का है ना वो सारा खत्म हो जाए, अच्छी तरह पक जाएगा, और उसके बाद फिर और मैं कहूँ क्या करना, इसका घी ऊपर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो मैं आधा घंटा मैंने वो आटा डाला था, आधा घंटा हो गया, मैंने पूरा घड़ी पे टाइम देख के फिर मैंने डाला, तो अब बिल्कुल फिट हो गई। ये देखो घी ऊपर से आ गया, ये देखो अब आटे का बिल्कुल कच्चा पान बिल्कुल सही पक ही चुका है, तो हमारा मटन कुन्ना बिल्कुल तैयार हो गया। और मैं ये थोड़ा सा ना मैं दरदरा सा ये पे सफ़ेद जीरा पीसने लगी हूँ, इसको फिर कूटूंगी क्या फ्लेवर ना अच्छा आता है कूटने से, बहुत खुशबू ज़्यादा फैलती है, बिल्कुल हो गया। अब मैं इसको खाने लगी, दरदरा सा पीसना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो हमारा मटर पुन्ना बिल्कुल तैयार, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है पूरे किचन में,
और बहुत ही अच्छा मैंने पहली दफा पकाया है। और ये थोड़े सा अदरक है और हरी मिर्च ये मैं डाल रही, इसके ना अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा। और ऊपर से मैं धनिया डाल रही, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चूल्हा बंद करने लगे, ये देखो कितनी अच्छी बोटी बन गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो मैं आपको बता सकती हूँ, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और शानदार बनती है, लजीज बनती है। और मेरे हाथ पर देखो, मैं आपको ये देखो कितना अच्छा माशाल्लाह गोश्त डाल सकता है, घी भी मुनासिब का है, ज़्यादा भी नहीं घी, अच्छा होता है। बिल्कुल तैयार हो गया, इंशाल्लाह मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और शेयर कीजिए मेरी वीडियो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अपनी दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़। दिखाई नहीं थी, देखो बिल्कुल गल चुकी है, बिल्कुल सीरा बन चुकी है, देखो हड्डियाँ लहदा और ये देखो। और मैंने खा के देख, इतने मज़े का बना हुआ है, बहुत ही मज़ेदार। और इसको नान के साथ खाइए और चपाती के साथ खाइए और जो तंदूरी के खमीरी रोटी के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बने हुए। और अल्लाह हाफिज़।